Jane! Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Are you mad yet? अरे बाप रे, अरे अरे बाप रे, कितना बड़ा मॉन्स्टर है यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट हनी वालिया एंड यू आर वाचिंग हनी वालिया गेमिंग। लेके आया हूं आज आपके लिए फिर से अनदर एपिसोड ऑफ होम स्वीट होम का। तो जैसे कि हमने पिछली बार मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो अभी जाके देख सकते हो, मैं ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर कार्ड में भी आ जाएगा, अगर आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरा जो रिसेंटली मैंने लास्ट खेला था एपिसोड, तो उसपे हम लोग जेन को ढूंढ रहे हैं। जेन भागती भागती यहाँ पर आ गई है, पीछे ये लॉक डोर है। तो मैं बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करता हूँ। प्रेटा का चैप्टर 2 हमको उसके बारे में बताया गया, मैं पढ़ता हूँ। प्रेटा इज अ लॉस्ट सोल। तो इस स्पेशल एडिशन में प्रेटा के बारे में बताया गया है, चैप्टर 2 एडिशन है। प्रेटा वही है जो लंबे लंबे नाखूनों वाला हमारा पीछा कर रहा है, लाल रंग का मॉन्स्टर है, काफी पता नहीं कितना लंबा है, मुझे नहीं पता, 4 मंजिली तक पहुंच जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना लंबा हो सकता है, खली से भी ज्यादा ऊंचा है यार वो। तो उसके बारे में बताया गया है, प्रेटा एक तरह की गुमशुदा आत्मा है जो हमेशा की तरह इसी घर में बंद हो चुकी है, क्योंकि उसने पाप का घड़ा ऐसा ही है जो ऐसे भर चुका है, तो उसको अभी इसी ही पुलिस स्टेशन में भटकना पड़ेगा। तो एक तरह का वो हंटर है जिसकी प्यास कभी बुझ नहीं सकती, उसको प्यास को उसको शांत करने के लिए हमको फूड ऑफर करना पड़ेगा, उसको मतलब पूरी तरह से टेबल में सजाना पड़ेगा फूड को। तो वो 3 आइटम दी हुई है। पहली आइटम है हमको खाना रखना है टेबल वेयर पर, और सेकंड है हमको एक सेंटेड स्टिक रखनी है उसी टेबल वेयर पर, और तीसरी है हमको लाइटिंग देनी है सेंटेड इंसेंस को। तो 3 हमारे काम है, उसको हम झट से अपना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये क्या यार, मतलब ऑडियंस को मैं बता रहा था, तुम पीछे से आके दरवाजा खोल लो, है ना? ओके, तो जेन, 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 टिम, नो, डोंट फॉलो मी, जेन, इट्स मी, अरे मैं हूँ यार, अरे बाप रे, अरे, अरे बाप रे, कितना बड़ा मॉन्स्टर है यार, और नीचे जाएगा क्या? हाँ नीचे से जा रहा है। तो अभी इसको शांत करना है हमको, फाइंड अ वे टू काम द प्रेटा ऑफरिंग मे हेल्प। तो जैसे कि उस डायरी में लिखा हुआ था, हमको इसको शांत करने के लिए कुछ टेबल पे रखना पड़ेगा। तो इसको कैसे शांत करें हम लोग यार, एक सेकंड, वो मेरे पास होगा क्या? अरे बाप रे, अरे बंद कर इसको, उसने देख लिया तुझे, उसको पढ़ लूं क्या जाके मैं, अभी पीछे नहीं जाएगा। 3 चीजें हैं, पहले टेबल पे कुछ सजाना पड़ेगा हमको, वो पड़ा है नीचे। ओके, तो ये है वो, हमको मैच स्टिक्स मिल चुकी है, ठीक है। तो माचिस का डिब्बा हमको मिल चुका है, तो इसको पता नहीं हमको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। एक साथ में और है, इधर नहीं जा रहा, आगे क्या करना है? अरे वो इसका हाथ है इतना बड़ा, अरे यार मुझे सजाना कैसे है यार, मतलब पहली दफा तो मुझे लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली अभी क्या है क्या नहीं है, भाग के जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। वो टेबल है उसके नीचे छुपेगा, ठीक है मैंने अंदाजा लगा लिया, लेकिन वो है कहाँ पे पूरा? एक बार इसको इधर आने दे, फिर उसके बाद मैं भागता हूँ। इधर तो नहीं जाता ये, नहीं मुझे लगता है। अरे बाप रे, ये तो टेबल ही ले उठाकर ले गया यार। इसको टॉर्च को बंद कर यार पहले। अरे जाने रे भाई, अरे तेरे ही फूड का इंतजाम कर रहा हूं यार मैं,
इधर तो नहीं देखेगा, मत देख इधर मत देख। अरे यार टेबल तूने इधर ही घेरना था क्या? वो टेबल बने हुए, उसके नीचे मैं छुप छुप कर जाऊंगा तो ये मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। अरे तेरी आंख है कि बल्लभ है लाल रंग का? ओके तो कुछ मिले क्या यहां पर? कुछ नहीं है यहां पर, सीजन वन के डब्बे पड़े हुए। ये उठाएगा क्या पाइनएप्पल? क्या पड़ा ये? नहीं ये नहीं उठा रहा, वो सामने ही जा रहा है यार, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जाएगा वहां से जाएगा, कैसे जाएगा? टेबल के नीचे से जाएगा क्या? यहां से ये अपने नोकीले पंजे ना मार दे मुझे। ये देखो कितने बड़े बड़े, इसको लाइट से प्रॉब्लम है क्या कोई? कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कहां पर जाकर छुपूं यार? आकर उस टेबल पे छुप जाऊं क्या? अभी भी शैतान ऊपर ही मंडरा रहा है। अगर मैं सामने टेबल के नीचे छुप जाता हूं तो शायद नहीं देख पाएगा मुझे। भागकर उस टेबल के पास जाता हूं, मतलब मैं पहले देख लेता हूं कहां पे है ये। बीबी मुझे देख रहा है ये। अरे नीचे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, तक तेरे की। अभी तो गेम शुरू ही है यार, तूने पहले ही खत्म कर दिया यार भाई। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है यार। इसको उठाता हूं। ओके तो इसको उठा लिया मैंने। अरे यार मैं क्या करूं यार, तेरे की यार, दर्द तेरे की। कितना लंबा है यार ये। अरे अरे नहीं, अभी तक तो सिक्योर हूं मैं। अरे अरे यार, एक तो डराता इतना है ना ये, बिना फालतू में डराएगा इतना। अभी इसको शांत कैसे करना है यार? अरे बाप रे, भाग आ गया हूँ, शुक्र है यार। मैं इधर देखता हूँ कुछ है क्या। अरे कुछ शांत करने के लिए है क्या हमारे पास? इसे शांत हो जाएगा बोतल से। ओके तो ये क्या है, इसको खोल ले यार मेरे भाई। अरे यार अभी इसको भी खोलने के लिए कुछ चाहिए क्या? अद्दा यार अभी लॉक लगा हुआ है। वाह दत्त तेरे की, कांच वाले शीशे है, इसको फोड़ दे यार तू। यार टॉर्च है तेरे पे, टॉर्च मार यार उस पे यार। अभी क्रोबार चाहिए। वाह मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? इधर तो नहीं देख पाता ये, हाँ इसके आर पार तो नहीं देख पाता ये। ठीक है इसके आर पार नहीं देख पाता ये, इसको कैसे भी करके लोग को खोलना है मुझे।
ये खुलेगा क्या यार? मतलब खामा खामे इधर ऐसे ही आ गया क्या? मैं जाना तो उधर ही है, इसके पीछे देखूं क्या है क्या। इसके पीछे भी कुछ नहीं है। अरे यार अभी यार चाबी कहां से ढूंढूं यार मैं? अरे यार तू उठा ले भाई, टेबल उठा ले तू पहले से, तू बुझा ले अपनी मन की प्यास, मुझे निकलने मत दियो यहां से तू। वहां छिपता हूं मैं पीछे, सबसे पहले जाके वहां पर छिप जाता हूं यार मैं। ठीक है इधर आ गया हूं मैं, अभी क्या करना है मुझे? चाबी कहां से ढूंढूं यार मैं? देख लिया क्या? नहीं देखा। इधर है क्या? अरे वाह क्या बात है। छोड़ यार कौन बंद करेगा, फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे यार। अरे यार अभी तो खोल दे, अभी भी नहीं। ये बलि है क्या? ये चम्मा इला अभी तो एक ही मिली है यार, इसमें क्या है? अरे इसका अचार डालू क्या मैं यार? ये यार ये चीटिंग मत करो यार, ये बात गलत है यार। वो स्टिक्स मुझे यहीं पर दिख रही है, फिर से जाना पड़ेगा। अभी मुझे लगता है वो कैंडल्स के आसपास ही होगा। ठीक है ये कहां पे, पहले देख लेता हूं इसको मैं। A few moments later. इधर है क्या कुछ? कुछ नहीं है तो मुझे लगता है जहां पे ये क्या 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 कुछ भी अपनी तरफ से बोरी बोरी होना, वो वहां पर ही होगी। सेकंड चाबी जो है वहीं पर होगी पक्का, 100% श्योर। वहां पर है, वहां पर पक्का। वहां पे जाऊं कैसे मैं? जाऊं कैसे वहां पर? उरे अरे उठा, वो दरवाजा सामने और ये खल्ली का बच्चा यहीं पर खड़ा है। शुक्र है दूसरी चाबी भी मिल चुकी है। अभी ओके तो इंसेंस मिल चुका है, अभी क्या करना है? अभी टेबल कौन सा सजाना है मेरे को? अरे यार अभी क्रोबार भी चाहिए मुझे, तब तेरे की यार। उसको क्या हो गया, दौरा पड़ गया क्या? बंद कर दिया। अरे यार दरवाजा ही बंद कर दिया उसने तो यार, क्रोबार भी नहीं है मेरे पास तो। होना हो यहीं पर कुछ होगा फिर, मतलब क्रोबार ढूंढना है अभी। क्रोबार कहां पर है तू? इधर भी नहीं है। ओके तो ये रहा। ओके स्क्रू ड्राइवर से क्या?
अरे बाप रे, अभी तो वो वहीं पर है। टेबल कौन सा सजाना है मुझे तो ये नहीं पता यार अभी। अरे ये इधर ही चलता हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ भाई। नहीं, शांत हो जा। हाँ वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है यार अभी? कुछ नहीं है तो पजल पे पजल आ रहे हैं यार मेरे को यार। अरे बाप रे, एक एक करके मुझसे हर एक चीज छीन रहा है यार ये। अभी टेबल कहां पे है यार? टेबल कौन सा सजाना है मुझे? ओके तो वो है टेबल मुझे लगता है। अरे अरे बैठ जा मेरे भाई। जल्दी से वो चाबियां उठानी है। अरे यार फंस गया यार, दत्ते रे की यार। अरे नहीं, मैं नहीं हूं। शांत हो जा। अरे यार इस दरिंदे ने यार मेरे को बहुत बुरी तरह से पेला है यार। इसको मैंने शांत करना है और यार ये मुझे ही मारने पे लगा हुआ है। तेरी प्यास को मिटाना चाहता हूं मैं, और तू है कि मुझ पे ही अपना गुस्सा मतलब निकाल रहा है। गलत बात है ना ये तो। उठा उठा, एक वो है एक और दो चाबी है, एक और चाहिए मुझे। मुझे इसलिए ऐसा पता है क्योंकि मैं 5 बार मर चुका हूं यार, 5 बार। ओके तो सेकंड जो चाबी है वो मिल गई है मुझे। मैं अपना काम करता हूं, वो भी खुल जा। ओके तो यहां पे कुछ नहीं है, लास्ट टाइम मिला था। ओके तो हर बार की तरह उसने बंद कर दिया और मुझे स्क्रू ड्राइवर इधर से ही मिलेगा और मैं उठाता हूं इसको, अपना काम करता हूं यहां से। अरे खुल जा, अभी मेरे को बहुत मुश्किल से बच बचा कर खेलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से इसको फिर से ट्राई करूं। ठीक है, रेड लाइट, वो भी जा चुकी है रेड लाइट। अरे नहीं, बच गया। वो सामने जाना है मुझे किसी भी तरीके से। बस ये कुछ उठा ले और मेरा काम हो जाए, और मुझे क्या चाहिए यार मतलब, है ना। अरे बाप रे, अरे यार मैं गलत आ गया यार। अरे नहीं, अरे शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है तेरा। ठीक है, मैं आ गया हूं। अभी क्या करना है? इधर जाना है क्या? ये खुलेगा। अरे यार अभी चाबी ढूंढनी फिर से यार। गलत बात है यार। कुछ नहीं है। अरे यार ये तो गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत है यार, ये चीटिंग है ये। अच्छा मैं वापस वहीं पर आ गया हूं, वो टेबल है शायद, मुझे लगता है वहां पर जाना है मुझे।
मैं अपना काम करता हूँ। एक सेकंड यार, अरे उठा, क्या कर रहा है यार, वो देख लेगा तेरे को। अरे यार उठा क्यों नहीं रहा यार ये भाई। अभी कुछ और भी चाहिए क्या मेरे को? अरे वहां गया यार अभी यार। अरे धत्तेरे की यार, मेरे पास फूड भी तो चाहिए यार, खाना चाहिए इस दरिंदे को खिलाने के लिए। पूरा प्रथा का सामान रखा हुआ यहाँ पे यार। अरे यार हद है यार, वहां जाना पड़ेगा मुझे, वहां पर, वहां कुछ छूट गया, कुछ रह गया वहां पर। इस बार वहां नहीं गया हूं तो मैं एक दफा वहां जाकर देख लेता हूँ क्या है। अरे उठा ले भाई, अभी तो हो गया है। अरे देख लिया, अरे उठा लिया क्या? नहीं नहीं मैंने वो अभी तो खा ले, तो मुझको जाने दे, सो जा मेरे भाई सो जा। अभी ये जा चुका है ठीक है। अरे यार बहुत मुश्किल से मैंने इसको पार किया यार, ये स्टेज बहुत मुश्किल से, मतलब कहां कहां नहीं ढूंढा यार मैंने। अभी मैं जेन को ढूंढता हूँ, फटाफट उसको लेकर यहां से निकलता हूँ। डोर बंद हो चुका है हर बार की तरह। अखबार है पढ़ता हूँ क्या है, इलीगल रेस कैन बी द स्टील बार। तो इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है कि रात के 2 बजे के करीब जो पुलिसमैन है यसोथोन के, वो चेसिंग कर रहे हैं इलीगल रेसर को जिसका नाम है मिस्टर पिशाई, और जो जिसकी जो लेफ्ट आई है वो एक ट्रक की वजह से टकराने से, मतलब उसकी लेफ्ट आई में एक पाइप आयरन की रोड घुस चुकी है जिससे वो टोटली मर चुका है। अब उसकी बॉडी को क्या करना है, उसकी फैमिली को भेज देना है और फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में इस तरह का कुछ छपा हुआ है इस आर्टिकल में। तो मैं आगे चलता हूँ। अरे ओके, तो ये तो मेरा प्लेयर ही बोल रहा है। जेन को ढूंढना है मुझे, जेन इज हियर फाइंड हर, तो जेन इधर ही है, मुझे इसको ढूंढना है। सभी ये सारी स्टोरी जेन की, जेन से ही शुरू हुई है, मतलब ना वो ऐसे गंदे सपने देखती और ना मुझे ऐसे आना पड़ता। यार इतनी बार मरने के बाद मैं ये क्या पड़ा हुआ है, ये किसकी पिक्चर है, ये पता नहीं कोई फिर से ब्लैक मैजिक की पिक्चर्स रखी हुई है यहाँ पे, मूर्तियां वगैरह बनाकर, वो कुछ पढ़ा है, पढ़ लेता हूं मैं। ये क्या लॉक हो गया क्या दरवाजा? ओके, तो उसकी 5 तारीख की जेन की डायरी का पन्ना मुझे मिल चुका है जिसमें लिखा हुआ है आई वॉज अप ड्यूरिंग द नाइट। इसमें उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं फिर से रात को उठी हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने बेडरूम में नहीं हूँ, मैं किसी घर के बीचों बीच में हूँ। सीम्स लाइक मुझे लग रहा है कि मैं अपने किसी को सेंस को, किसको अपने आप को सेंस भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं काफ़ी कांप रही हूँ, मुझे कोई घर से बाहर देख रहा है, और मुझे वो लगता है वो नाइटमेयर में मुझे वो मार कर चला जाएगा। वो बोला कि चेन व्हाट इज इट, क्या है ये, व्हाई आर यू लाइक दिस, तुम ऐसी क्यों हो। जेन और जेल की कल्पना फिर से आ चुकी है, ये तो लॉक हो चुका है। ओके, तो इसके नीचे से चलता हूं मैं। जो भी जेन के साथ हुआ है उस डायरी का एक एक पन्ना मुझे ऐसे मिल रहा है, ऐसे अबेंडन हाउस में मिल रहा है मुझे। ओके, तो क्या मैं फिर से उसी घर में आ गया? मुझे लगता है पुराने वाले अपने ही घर में आ चुका हूँ, जहां पर एक सुंदर सा पियानो इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है जो शुरुआत में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मैं अपने ही घर में हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या? वही तो, Jane's still there. I need to get her out. Find a way back to help Jane. ओके, तो इस बार क्या करना है अपने, अरे ये कौन हंस रहा है,
क्या इनकी कोई बच्ची भी थी क्या? अभी तक तो कोई दिखाई नहीं ऐसे, है ना? यहाँ तो कुछ नहीं है। मैं तो सामने वाला रूम ट्राई करता हूँ। ये लॉक्ड है, पिछली बार तो खुला था ना, पिछली बार खुला था और इसी के अंदर हम लोग गए थे पुराने अबैंडन हाउस में। इस बार कुछ नहीं है फोन में। किचन कार तो ओ रे, ये क्या? अरे बाप रे, ये कौन मार रहा है? ये कौन है भाई? ये बच्ची है कोई? जेन की कोई बच्ची भी थी क्या? ओके, तो धीरे धीरे करके मुझे जो फोटोग्राफ्स हैं वो मिल रही हैं। अभी फिर से एक उसी पिक्चर का मुझे मिला है। ऑब्जेक्टिव तो अभी यही बता रहा है कि जेन को ढूंढकर यहां से निकलना है। स्टोरी का मेन एंड हो क्या सकता है? मतलब लाल रंग के धागे फिर से, और इस बार ये अंदर क्या स्नोफॉल हो रही है क्या? इतनी तबाही फैली हुई है घर में, कोई भी चीज अपने ठिकाने पर ही नहीं है। पिछली बार तो थी, ये देखो यहां पर मुझे एक चाबी मिली थी जो जेन के ऑफिस की। ये क्या? अरे ये क्या था? पेंटिंग्स वगैरह सब गिरी हुई है। अभी ऊपर का कमरा बाकी है। ये खुल गया क्या अभी? ये लॉक्ड है, तो ठीक है ऊपर चलते हैं, देखते क्या होता है। तो ऊपर आ चुका हूं मैं, वहां पर कॉर्नर में टेडी बियर पड़ा हुआ है। इनकी कोई लड़की थी कुछ, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया इसमें, है ना? ये जेन का कमरा है, ये भी लॉक्ड है, तो बच्चा एक ही है अभी, यही खुलेगा मुझे लगता है। ऑलराइट, तो आ चुका हूं मैं कमरे में। वहां पर मुझे ड्राइंग मिली थी और यही वो टेप रिकॉर्डर है। ठीक है, बना जेन्स की डायरी का 21 तारीख का अप्रैल का पन्ना, जिसमें लिखा हुआ है लास्ट नाइट व्हेन आई वाज अबाउट टू स्लीप। तो इस डायरी में उसने लिखा है कि आखिरी रात मैं उठी थी और जब मैंने उठकर देखा कि सीढ़ियों के नीचे से काफी मतलब आवाजें आ रही है, जब मैंने सोचा जाकर देखती हूँ कि शायद टिम ना आ गया हो, लेकिन शायद वो घर में आ चुका हो, लेकिन जब मैं नीचे जाकर गई तो वहां पर कुछ नहीं था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो टेप रिकॉर्डर फिर से चल चुका है, लेकिन कौन सा चल रहा है मुझे नहीं पता। अभी पता नहीं एलईडी कौन सी है, ये कहां पर आ रही है आवाज? अलार्म, ये क्या? आगे नहीं जा रहा। मुझे अभी तक तो किसी लड़की की इनकी पिक्चर नहीं है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि शायद वो प्रेग्नेंट थी और शायद इसके बेबी होने वाला था और वो बच्ची जो है वो बीच? अरे ये क्या? अरे अरे बाप रे, ये मैंने नहीं खिसकाया। अभी ये आवाज किधर से आ रही है? मुझे उसको फॉलो करना है यहां से क्या? ये देखो कितनी फोटोग्राफ्स पड़ी है इनकी, लेकिन किसी लड़की की छोटी बच्ची की कोई फोटो नहीं है यार। मुझे लगता है जैसे मैं बोल रहा था सडनली साउंड एकदम से आ गया, इनकी कोई बच्ची होगी या होने वाली होगी जो शायद किसी वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाई और उसकी कोई अधूरी इच्छा यहीं पर रह गई है, उसकी आत्मा का यहाँ पर मतलब चल रहा है कुछ। ये भी बंद है, तो ठीक है अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ऑलराइट, बाहर आ चुका हूँ। ये क्या, ये खुलता है क्या अभी? ये भी लॉक्ड है। नीचे जाऊं क्या फिर से? नीचे ही चलता हूं। ऑलराइट, तो अरे वो भी अंधेरा हो गया यार यहां पर। अरे ये कौन भाग रहा है? अरे ठीक है, किसी ने कुछ डेस्क जो है वो खिसका दिया है। लाल रंग के धागे, कोई डोर खुला है क्या? ये डोर बंद था ना, इसको देखता हूँ क्या पता खुल गया। ये भी लॉक्ड है। ये क्या खुल गया क्या? तो इसको करूँ क्या? कुछ नहीं है। तो आखिर जाना किधर है यार? मतलब ऊपर ही जाना है क्या? नीचे तो कुछ नहीं है।
राइट कुछ नहीं है तो ऊपर ही होगा मुझे लगता है जो भी है। इधर भी कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट मैंने चेक कर लिया सभी जगह, पिल्स वगैरह पड़ी हुई है। ओके ये पिक्चर फिर से किसी ने गिरा दी और इस पिक्चर में एक दरार भी आई हुई है देखो। अरे ये क्या, अरे बाप रे, फुटबॉल का अपने आप से हिलना, ये होना वो किसी लड़की का ही कारनामा है यार। ये भी नहीं है, ऊपर जाने का संकेत तो नहीं दे रहे क्या ये फिर से, ये फुटबॉल आई कहां से। चलिए देखते हैं फिर से ऊपर जाकर क्या होता है। ओके तो और कुछ भी नहीं दिखता, टॉर्च ऑफ करके कुछ नहीं दिखता। अरे ये कौन सा दरवाजा खुला है अभी, ये बना क्या कोई दरवाजा खुला है अभी, लेकिन कौन से वाला ये नहीं मुझे पता अभी। ये बंद है, ये फोटोग्राफ्स कौन गिरा देता है यार बाद में। दोबारा से इसी कमरे में आ गए लेकिन अभी जो म्यूजिक चल, अरे अरे ऐसे मत डराओ यार। ओ अरे ये क्या, अच्छा तो इसी की खिसकने की आवाज आई है मुझे लगता है। इतनी बड़ी अलमीरा को किसने मतलब एक ही पल में कर दिया, खिसका दिया, इसके पीछे कुछ है क्या। ठीक है इसके पीछे कुछ होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे एक क्ल्यू की तरह मैं इसको देख सकूं, कुछ नहीं है। ये किसने इधर नहीं आया था ना, कि तो फोन बज रहा है, पहले फोन उठाता हूं जाके। फोन आई थिंक नीचे देखा था मैंने, नीचे है, इधर भी है क्या कोई, इधर तो नहीं बज रहा क्या, नीचे है फोन, नीचे चल के देखता हूं फोन किसका हो सकता है। अरे ये कैसी भयानक सी साउंड है यार ये। हेलो काट दिया, ये कुछ नहीं है, ये करना क्या है यार, ये क्या फिर से कोई दरवाजा। ठीक है ये वाला खुला है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ये दरवाजा बंद था पहले, ये मेरा ही रूम है, मैं लास्ट टाइम जब मैंने शुरुआत में खेली थी गेम तो मैं यहीं पर आया था, जिन लोगों ने मेरी वो अरे अरे तेरी तो बाप रे, एकदम से हॉन्टेड सा मोमेंट है। मैंने इसको पढ़ता हूं, 19 जनवरी का हमको नोट मिला है जेम्स डायरी में से, देखता हूं क्या है। जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अ स्पेशल ट्रीट, इन्हें लिखा है वो अपनी पुरानी यादों को मतलब मेमोरी को जी रही थी, जिसमें उसने टिम ने मतलब मेरा प्लेयर का नाम टिम है, उसने और जेन ने एक दूसरे को देखा था, वो वहीं पर रेस्टोरेंट में जाते थे जहाँ पे वो अपनी डेट शुरू करते थे। और उसने उस डायरी में ये भी लिखा कि जहाँ पर टिम प्रमोट हुआ था, सीनियर टेक्नीशियन बना था और जिससे मेरा दिल भी काफी खुश हुआ था। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी लिख रही है नीचे इस 3 लाइन में, उसने ये लिखा है कि वो भी टिम की तरह ही प्रमोशन करना चाहती है अपनी, मतलब वो भी चाहती है कि मेरा भी करियर टॉप में चले जाए और जो वो नेक्स्ट बुक जो लिख रही है वो उसकी आने वाली सबसे हिट होगी। जेन जो है वो एक राइटर है तो उसकी ही किताब के पन्ने हमको धीरे धीरे से एक एक करके मिल रहे हैं इस पूरी गेम में। ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है बंदों की जहां पर जेन जाना चाहती थी। तो जब मैं डायरी पढ़ने में मतलब ये मैं मसरूफ था तो मुझे लगा किसी का कुछ आया है मतलब कोई। अरे यार ये आधी रात को मतलब ऐसे मत खोलो यार, पानी को तो बचाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, पानी अपने आप ही चल रहा है। ओके तो अभी क्या कर रहे। अरे यार मत हंस यार, मेरी माँ मत हंस, तेरे को क्या चाहिए मेरे को बोल।
ये टेलीफोन के साथ खेल रहे हो क्या? फिर से ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर देखता हूं क्या होता है। किचन में जाकर तो कोई फायदा नहीं है। और ये क्या आवाज आ रही है? चाकू से किसी ने वार किया था। कुछ चल रहा है ना, मतलब मशीन चल रही है क्या? हाँ मशीन ही घूम रही है मुझे लगता है। अभी कुछ नहीं बचा, ऊपर एक जेन का रूम बाकी है, वो नहीं खुला। अरे ये कौन सा दरवाजा, बंद हुआ है या खुला है? ओके तो जेन का कमरा भी खुल चुका है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? कॉर्नर में कौन है वहां पे? Jane, there's nothing there. अरे कुछ भी नहीं है वहां पे यार, कुछ भी नहीं है। अरे कोई सांस ले रहा है मेरे पीछे से। देखो क्या बोलती है, कोई भी नहीं है। कहीं जेन पागल तो नहीं होगी क्या? मतलब उसने एक ऐसी किताब लिखनी शुरू कर दी अपनी प्रमोशन के चक्कर में, वो मुझे लगता है उसको लगता है कि जो भी मैं लिख रही हूँ वो रियल है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला। ये देखो जेन की तस्वीरें हैं। तो पिछली बार मैं आया था तो वो जो लास्ट वाला डोर है वो बंद था, वो नहीं खुला। इस बार खुलेगा क्या? इस बार भी नहीं खुल रहा वो। अरे ये खून के निशान इतने, ऐसे लगता है जैसे किसी को घसीट कर यहां से बाहर निकाला है। अरे बाप रे, अरे यार अरे यार, एकदम से ये कौन था? अरे कहां गया वो, कहां गया, कहां गया? इसको फॉलो करूं क्या अभी? अरे बाप रे, एकदम से डरा दिया यार इसने मुझे। धत्ते रे गई है, इधर जा रहा है वो। अरे 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 ये क्या, अरे यार ये क्या, इसके नीचे जाना पड़ेगा क्या मुझे? अरे क्या हाल बन चुका है यार बाथरूम का ना। अरे यार ये क्या है, ये क्या, एक अरे ये क्या था? वैसे ही जैसे जेन जो है, पता नहीं जो स्टार्टिंग में मूड नहीं आई थी, वो जो खून के धब्बों से भरी दीवार के आर पार चली जाती थी, ऐसे ही मैं आ चुका हूं। और भी ऐसे खुलासे होने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। फिर से जेन का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, मतलब जेन को ढूंढना है। तो जेन को हम लोग बाद में ढूंढेंगे, उससे पहले मुझे लगता है आज के लिए मुझे इतना ही खेलना चाहिए। और आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, थोड़ी सी तो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी स्केरी मोमेंट्स थे। पहले मैं वो इतने बड़े मॉन्स्टर से बचा हूँ, उसको मैंने कहीं कैसे ना कैसे करके मुझे उसे छुटकारा पाना था, ताकि मैं जेन को बचा सकूं। लेकिन जेन मुझे फिर भी नहीं मिली है, उल्टा मुझे और भी डीपली किसी ब्लडी जगह में उसको, मतलब मुझे ढूंढने जाना होगा।
तो ये आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जेन जेन का मतलब बच्चा कहाँ से आ गया, और एक ये भी एक रहस्य है, काफी लड़की मतलब छोटी सी लड़की की आवाजें आ रही थी हंसती हुस्ती की, और उसने 3-4 बार मुझे खंजर मारने की कोशिश भी की है। तो और भी ऐसे सीक्रेट और भी आगे एक्सप्लोर होंगे। आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ देखने को मिला होगा, और जो जो भाई लोगों ने मेरे होम स्वीट होम के पिछले 3-4 पार्ट जो भी आ चुके हैं वो नहीं देखे हैं, वो अभी जाकर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हर हर महादेव, मुझे दीजिए अलविदा।